बहुत सिंपल है, इस तरह से आपका बर्थडे सॉन्ग हो जाता है फिनिश। तो नोटेशन क्या है, सा सा रे सा म ग, सा सा रे सा प म, सा सा सा। तो सा सा और डायरेक्टली जो हमने सारे गम सीखा है ना पहले वीडियो में, नी और सा होगा, तो लास्ट वाला जो सा है दोस्तों ये आपका फर्स्ट सा है और लास्ट वाला सा तो आपको जाने की आदत डालनी होगी, सा से सा पे, सारे गाँव पर धनी सा, लास्ट वाला सा है जिसके ऊपर डॉट होता है, सा 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 ध म ग रे नी नी ध म प म। ये लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, तो नी नी ध म प म है, नी पे आपको लीवर प्रेस करना होगा, नी नी है आपका अंडरलाइन मतलब फ्लैट है वो, ठीक है। तो जहाँ हम नी बजाते हैं ना दोस्तों वही नी बजेगा, खींचना भी है आपको वही पर। अंडरलाइन कैसे प्ले करते हैं, जहाँ हम ध बजाते हैं याद रखिएगा, जहाँ हम ध बजाते हैं जिस विंडो में, उस विंडो पे ये लीवर आपको प्रेस कर देना है, और ध जहाँ बजाते हैं वहीं पर आपको सक करना है, तो ऑटोमेटिकली फ्लैट वाला नहीं लग जाएगा, कोमल नहीं, ठीक है। जहाँ ध बजाते हैं उस विंडो में जाके लीवर दबा के खींच लेना है आपको, मतलब ध कहाँ प्रेस बजाते हैं हम बजाते हैं ध 12 पे, ठीक है। तो 12 पे जाके ये क्लोज करके बंद करके इसको खींचना है हवा, तो ऑटोमेटिकली नी बजेगा से, बाकी लीवर छोड़ देना है। और जो हम प्ले कर रहे हैं फिर नी नी ध म प म, ध म प म आपको पता है, ध म प म नी नी ध म प म नी नी ध म प म, इस तरह से प्ले हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ये वीडियो यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।